देश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं eNewsMP और मैं आपके साथ आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में जहां इन दिनों राजनीति का लोहा गर्म है, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संग 2 दशक पुरानी तस्वीर बीजेपी नेताओं की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आखिर वायरल तस्वीर के मायने क्या हैं, फिलहाल समझ से परे हैं। जी हां, इतना ही नहीं, विधायक सभा भोपाल में पक्ष और विपक्ष के दो नेताओं के चाय की चुस्की की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इन दो अलग अलग छाया चित्रों को लेकर राजनीति के गलियारों में तरह तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर सच्चाई जो भी हो, हम यही कहेंगे, सलामत रहे ये दोस्ताना। सीधी जिले की जनपद पंचायत कुशमी के कंप्यूटर ऑपरेटर सुर्खियों में है। कागज पर संचालित ट्रेडर्स के नाम पर किए गए भारी भरकम भुगतान को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं दूसरी ओर अन्य जनपद पंचायतों में भी मनरेगा में मनमानी का मामला भी सुर्खियों में छाया है। आखिर जिम्मेदार प्रशासनिक अमला इन चुरकुट नुमाइंदों के भरोसे क्यों अफसरी कर रहे हैं, समझ से परे है। जिला मुख्यालय से लेकर वनांचल क्षेत्रों में हो रही मनमानी का मामला क्या वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है? अगर है तो फिर चुप्पी किस बात की। उचित होगा कि आला अधिकारी इन चुरकुटों पर लगाम लगाएं, अन्यथा कभी भी आपकी कुर्सी पर भी दाग लग सकता है। मध्य प्रदेश की एक महिला TI ने ब्लड डोनेशन करके समाज को एक नई प्रेरणा दी है। मुरैना कोतवाली ने निरीक्षक आरती चराटे सहित 7 पुलिसकर्मी ने रक्तदान किया है। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में पहुंचे सभी पुलिसकर्मियों का नेतृत्व करने वाली निरीक्षक आरती ने कहा, मानवता की सेवा ही परम उद्देश्य है। उद्देश्य तो ये था कि मानवता की सेवा हमारा परम उद्देश्य है, पुलिस का प्रथम कर्तव्य है। और रक्तदान, मैं समझती हूँ कि हर 3 माह में हम लोगों ने आज प्रण किया है कि आते रहेंगे और जैसा भी समय मिलेगा स्टाफ पूरा सहयोग करेगा, रक्तदान शिविर लगाएंगे हम बीच में भी, जो आसपास के थाना क्षेत्रों से भी हम कलेक्ट होंगे और ये स्वेच्छा से किया गया रक्तदान। विंध्य क्षेत्र सतना में भालू के आतंक से आज लोगों को निजात मिल गई है। सतना जिले के मझगवा क्षेत्र के अंतर्गत एक भालू का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया और परिक्षेत्र नागौद के अंतर्गत एक लेपर्ड को क्लच वायर के फंदे से रेस्क्यू कर जान बचाई गई। मुकुंदपुर जू की 6 सदस्यीय रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। विंध्य क्षेत्र के रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय धमाल मच गया जब एक DSP से तंग आकर सेना के 3 जवानों ने अपने सिर पर पेट्रोल डालकर अग्निदाह की कोशिश कर डाली। तहसीलदार के हस्तक्षेप के बावजूद फौजियों ने एक भी नहीं सुनी और अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया। फौजियों का कहना है कि वे कई दिनों से SP कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और आज SP कार्यालय में BP सिंह DSP हेडक्वार्टर द्वारा फौजी का कॉलर पकड़ गाली गलौज का आरोप लगाया है। नगर पालिका परिषद सीधी के CMO कमला कोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहर की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शहर में जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रही हूं। बता दें कि CMO ने बताया कि कचरे के लिए हमारी नगर पालिका द्वारा शहर में गाड़ियों के माध्यम से जगह जगह प्रचार किया जा रहा है, दुकानों में सुझाव दिया जा रहा है, बाहर कचरा ना फेंके, चलती हुई गाड़ी में कचरा ना डालें, यही हमारा प्रयास निरंतर चल रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, देखते रहिए eNewsMP। नमस्कार। प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर।